मध्य प्रदेश के भोपाल में 30 किलोमीटर की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा विधायक रामेश्वर शर्मा ने निकाली। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस यात्रा में भाग लिया। भोपाल में प्रदेश की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। बता दें कि तिरंगा यात्रा हुजूर विधानसभा के मुखर्जी नगर से शुरू होते हुए संत हिरदाराम नगर में समाप्त हुई। इस 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से पूरे देश को देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना में ओतप्रोत होने का असर दिया है। उन्होंने कहा कि देश की शक्ति और युवा सामर्थ्य के माध्यम से हम जल्द ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पूर्व दिवस के अवसर पर निकलने वाली इस यात्रा में हम सब संकल्प करें विभाजन की विभीषिका का दंश सहन करते हुए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है उन सबको भी हम जीवन भर न भूलें और भारत की जीवन में ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि ऐसी घटना दोबारा हो। देश विरोधी ताकतों को जवाब देने और तिरंगे की शान को घर घर पहुंचाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। पूरा देश तिरंगा अभियान में लगा हुआ है तो मध्य प्रदेश सरकार भी हर जन जन हर कार्यकर्ता हर विधायक हर सांसद के साथ इस पूरे अभियान में साथ है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को देशभक्तों को आजादी के पूर्व दिवस की बहुत बहुत बधाई। और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।